जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में यानी कि एनवीएस एंट्रेंस एग्जाम में काफी सारे बच्चे बैठते हैं और उसमें से केवल चांस होते हैं 3% ही बच्चों के चांस होते हैं कि वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि भाई हम कैसे तैयारी करें। इसके लिए केवल और केवल 6 बातें आपको याद रखनी है, 6 पॉइंट जो मेन पॉइंट है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। आज हम उन्हीं 6 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका टीचर कम होस्ट कम दोस्त कह सकते हो, श्रवण शर्मा, और आप देख रहे हो एसजी कॉन्सेप्ट। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर हम लोग तैयारी करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरे सिलेबस की। यानी यहाँ पर आपको मैथ्स की भी क्लास मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी और साथ ही साथ साइंस भी मिलेगा। तो चलो फिर हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये आता है कि आप अपने सिलेबस पर ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस, तो सिलेबस पर अपने ध्यान दो। भाई अगर आप अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है या आपने तैयारी शुरू कर दी है तो तैयारी को शुरू करने के पहले सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे वीडियो पे कमेंट करके चले जाते हैं, इतना आसान नहीं होता नवोदय का पेपर, जबकि उन्होंने आज तक नवोदय का पेपर दिया भी नहीं है, बस केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पर वो चले आते हैं बताने कि नवोदय का एग्जाम जो होता है बहुत टफ होता है। अगर आप इन 6 पॉइंट पर ना, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपको सिलेबस देखना है, तो आगे अभी 5 पॉइंट और है, अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे बहुत ही आसानी से उन 3% बच्चों में आपका नाम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप काम करोगे सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद अपना स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है, यानी उसी बेस पर, अपने सिलेबस के बेस पर अपना स्टडी प्लान बना लो। और वहां पर ये देखो कि आपके मैथ्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके साइंस के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके हिंदी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपके इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जिस दिन ये पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, पेपर बहुत ही आसान लगेगा, बस आप फालतू की चीजें पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है यहां पर भाई, हमारा टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। टाइम टेबल बहुत ही ध्यान से अपना बनाइए। टाइम टेबल क्या है, तैयारी के लिए ना, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर भाई टाइम का जो मैनेजमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने नवोदय विद्यालय के साथ साथ अपने स्कूल की भी तैयारी करनी है, अपनी एकेडमिक एग्जाम की भी तैयारी करनी है ना। तो बच्चे काफी ज्यादा उसमें परेशान हो जाते हैं कि यार स्कूल का पढ़ें या फिर हम नवोदय विद्यालय का पढ़ें, तो ये टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी चीज है। और सबसे यानी यहाँ पर कम से कम आपको 1 घंटे तो आपको रखना ही रखना है कि आप डेली अपने नवोदय विद्यालय की बुक पढ़ पाएं, ठीक है। फिर सोचोगे क्या 1 घंटे में आपका नवोदय विद्यालय एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, ये भी बात भाई दिमाग में आती है। बहुत लोग कहते हैं कहना बड़ा आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो हाँ, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वो जो 1 घंटा आपका वो 4 घंटे के बराबर हो जाएगा। कैसे? अच्छा, जैसे आप स्कूल का जो भी आपकी स्कूल में पढ़ाई जाती है सिलेबस वही है, ठीक है, जो आपकी स्कूल का बुक है वही सेम चीजें आपके नवोदय के एग्जाम में भी आएंगी। आपके पास जो भी बुक होगी, चाहे वो अरिहंत की बुक हो, चाहे वो उपकार की बुक हो, या अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक हो, प्रभात की बुक हो, मतलब कोई सी भी बुक आपने ले रखी है, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपको जरूरत है सबसे ज्यादा कि 1 घंटे आप उस बुक को पढ़ने में अपना 1 घंटा लगाइए। उसके अलावा जो भी चैप्टर्स आपके नवोदय विद्यालय में आने वाले हैं वो सारे चैप्टर आपके क्लास 8 की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास 8 की बुक से पढ़ाई कीजिए, इसका आपका डबल फायदा होगा, आपकी क्लास 8 की भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ आपका नवोदय विद्यालय की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपना टाइम टेबल भी फिक्स कर लो, अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो, और सबसे ज्यादा आपको मैथ्स और साइंस में ही सबसे ज्यादा आपको टाइम लगाना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना,
ठीक है, वो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना, 15 दिन में आप इंग्लिश ग्रामर और हिंदी, लेकिन प्रैक्टिस डेली करनी है आपको। अपनी बुक के जो 1 घंटे का जो आपको टाइम मिलेगा, एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, ऐसे करके अपना टाइम टेबल सेट करना कि अपने स्कूल की बुक से पढ़ाई करना और अपनी जो नवोदय की बुक लेके रखी हो उससे केवल और केवल प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट आता है शॉर्ट नोट बनाना। भाई हर सब्जेक्ट का जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि जो आप डेट वाइज, जैसे आज आपने, अब अगर मान लेते हैं हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हमने आज अपनी स्कूल की बुक से पढ़ा, तो उसके जो मेन मेन पॉइंट हैं, है ना, वो आप एक कॉपी बनाओ और उस पर सारी चीजें नोट करते चलो कि क्या है ऐसा, ये हर एक लाइन पर ये सोचो क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ आप जो लाइन पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन सकता है, वो लाइन तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये आपके एग्जाम के 10 दिन काम आएंगे, आखिरी के 10 दिन। ठीक है, जब एग्जाम आपका होने वाला होगा तो उसके 10 दिन में आपका यही नोट्स काम आएगा, बाकी ना तो किसी टीचर का दिया हुआ नोट्स, ना तो स्कूल का बनवाया हुआ नोट्स, ठीक है, ना तो किसी कोचिंग का दिया हुआ नोट्स, कुछ नहीं काम आएगा, केवल और केवल वही चीजें काम आएंगी जो नोट्स आपने बना रखे हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर कि बहुत ही इफेक्टिव ढंग से नोट्स बनाइए, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि गंदा गंदा आप लिख लो कि आपको अपना ही नोट्स पढ़ने में खराब लगे। नोट्स जो होना चाहिए वो खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ जो होती है वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना। तो वैसे ही भाई हमारी पढ़ाई भी है, ठीक है, तो नोट्स को सुंदर तरीके से बनाओ, कलरफुल पेंस का यूज करो, कलर्स का यूज करो, और जो भी चीज़ें आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, आप सभी चीज़ों के अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट, वो है हमारा रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि नियमित अभ्यास। मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, यानी 1 घंटा जो आपने वो टाइम टेबल रखा ना, स्कूल की बुक से पढ़ाई करने के बाद आपको उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन बनाने हैं, उनको सॉल्व करना है, अपनी कॉपी पर नोट करना है, आपकी जो भी बुक है नवोदय की तैयारी के लिए उस बुक के जो भी एक्सरसाइज दिए उस क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वहां पर भी कोई क्वेश्चन, आपकी पढ़ाई के बाद भी वहां पर भी कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या आपकी बुक में था ही नहीं, तो वो भाई अपने टीचर से कंसल्ट कर लो, है ना। अगर अपने टीचर से नहीं कंसल्ट कर सकते हो तो मुझसे कंसल्ट कर लो, मैं तो यहां तक कि उसका सॉल्यूशन के पहले आपको ये बता दूंगा कि वो आपके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आपकी बुक में दिया है लेकिन वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो मैं वो चीजें आपको बता सकता हूँ कि वो सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है ना, कैसे पूछोगे भाई, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लो, ऐसे टेलीग्राम बेस्ट रहेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे वहाँ पर फोटोज वगैरह सेंड कर सकते हो क्वेश्चन के, बस एक रिलेवेंट चीज़ें ना करना, पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछोगे और वो रिलेवेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, क्योंकि हर पढ़ाई करने वाले बच्चे के साथ एसजी कॉन्सेप्ट उसके साथ रहेगा उसके हर एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट भाई, इसमें होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। जैसे कुछ बच्चे होंगे ये कह रहे होंगे, सर मेरी तो तैयारी हो गई है, मैंने काफ़ी हद तक मैथ पढ़ लिया है, साइंस पढ़ लिया है, हिंदी पढ़ लिया है, इंग्लिश पढ़ लिया है, और पेपर्स अब उनके लिए है, जब पढ़ लिए हो तो अभी रिविजन ना करना। अभी क्या करोगे, अभी आप एक प्रैक्टिस सेट परचेज करो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट परचेज करो, मार्केट में आपको 100 से 150 रुपए के बीच में, 100 to 150 के रुपीज में आपको अरिहंत की या अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, जिसमें पिछले 10 सालों का पेपर दिया होगा, आप वो पेपर लो। ठीक है, और उन पेपर को सॉल्व करना शुरू करो उल्टे साइड से, मतलब पहले आप 2021 का पेपर सॉल्व करो, फिर 2020 का पेपर सॉल्व करो, फिर 2019 का पेपर सॉल्व करो, 2018 का पेपर सॉल्व करो, ऐसे करते करते पीछे की ओर जाना। इसका फायदा क्या होगा, काफी सारी चीजें पहले सिलेबस में थी अब वो कट गई हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आता था अब वो सिलेबस में नहीं है, तो आपको इधर 5 साल के पेपर्स में ये पता लग जाएगा कि भाई आपका एक्चुअल सिलेबस क्या है, क्योंकि 10 सालों का पेपर तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन कम से कम 5 सालों के पेपर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट और
प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब पिछले सालों के पेपर को सॉल्व करके आप सिलेबस पता कर लेंगे और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे कि भाई आप कितने घंटे में कौन सा पोर्शन करते हैं। दूसरी चीज, हर पोर्शन को करने के लिए टाइम डिसाइड कीजिए, है ना। जैसे आपका 2 घंटे या 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 घंटे का मान लो पेपर है, ठीक है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, 35 क्वेश्चंस साइंस के होंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपका 2.5 घंटे का पेपर है तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 150 मिनट्स, 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यही तो होगा भाई, 35 मैथ, 35 साइंस, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश, यानी कुल मिला के हमको 100 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं। तो भाई ये 150 मिनट का मामला क्या है, क्यों ज़्यादा दिया गया? यहाँ पर आप सीधा सीधा 30 मिनट या 45 मिनट रख लेते हैं ना, 45 मिनट देना अपने मैथ्स को, केवल और केवल 45 मिनट पूरा आपको अपने मैथ पर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 15 मिनट देना है अपने हिंदी पर, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, इंग्लिश पर आपको अपने 15 मिनट देने हैं, और साइंस में आपको 30 मिनट देना है, ठीक है। ये सेक्शन आप जब डिसाइड कर लोगे तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। भाई कितना हो गया, अगर आप देखो तो 45 और 15 हो गया हमारा 60, और 30 मिनट हो गया हमारा इंग्लिश का, है ना, सॉरी साइंस का। तो क्योंकि पढ़ना है और आंसर देना, सॉल्व तो उसमें कुछ करना ही, सॉल्व तो आपको मैथ में करना, तो मैथ के लिए 45 मिनट 35 क्वेश्चन करने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको देना है भाई अपना साइंस, यानी ये हो गया 60 30 90 मिनट, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के वो आपको हिंदी की दे देनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल हो गए 105 मिनट, फिर भी आपके पास 45 मिनट बच गए। तो 45 मिनट जो आपके 45 मिनट्स आपके बचे हुए हैं, उन 45 मिनट्स में आप पेपर को फिर से रिवाइज करो और देखो कौन से क्वेश्चन थे जो आपके नहीं लग पाए हैं, उन पर फिर से काम करो, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा ना करना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, तो उसको लास्ट तक छोड़ ही दिया, उस पर दोबारा एफर्ट ना मारो, फिर से उस क्वेश्चन को देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन या हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है, उन पर फिर से एक बार दिमाग चलाओ और देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो। जो नहीं कर पाते हो उसको पेपर, उसके बाद पेपर को सॉल्व करने के बाद आप पेपर होगा आपका 1.5 घंटे का, लेकिन आप 1 घंटे 20 मिनट में अपना पेपर घर पे अगर करते हो तो 2 घंटे का टाइम टेबल बनाकर चलो कि 2 घंटे में आपको एक पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर उसको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए हो, और आप देखिए आपके कितने मार्क्स बनते हैं। उसके बाद फिर देखिए जो क्वेश्चन गलत हुए उनका सॉल्यूशन देखिए क्यों गलत हुआ, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, है ना, मुझसे भी कर सकते हो, मेरी तरफ से तो पूरी छूट है कि भाई आप जॉब चाहो तो आप मुझसे क्वेश्चन टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो, वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए हो, क्या वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, या आपके सिलेबस में था आपने वो पढ़ा नहीं था, या आपने वो पढ़ा है तो वो आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर लेना प्लस प्रैक्टिस सेट, मतलब कुल मिला के 15 प्रैक्टिस सेट आपको 15 पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद जब आप ये 15 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि भाई अभी आपको थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है क्योंकि कुछ चीजें आप भूल रहे हो। तो सबसे जो लास्ट टॉपिक आता है 6th टॉपिक, जो आपके मैदान जंग के लिए, ठीक है, यानी कि नवोदय एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिवीजन। ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, है ना, कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ आने लगा है, पेपर में चाहे जहां से पूछ ले, अब तो मैं टीचर का भी टीचर हो गया हूँ। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो निकाल देना, केवल और केवल कोशिश करना भाई सॉल्व करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने के बाद फिर से आप जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा, चाहे तो 5 प्रैक्टिस सेट, 5 प्रीवियस ईयर लगा लेना पहले, 5 छोड़ देना, वो रिवीजन के बाद एक बार फिर से कर लेना जो आपके आखिरी एग्जाम के 10 दिन बचे होंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने 6 बातें बताई, इन 6 बातों को बहुत ध्यान रखना। सबसे पहला सिलेबस को ध्यान से पढ़ लेना, दूसरा अपना टाइम टेबल बना लेना, तीसरी चीज अपना शॉर्ट नोट बना लेना, रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेना, और उसके बाद फिर रिवीजन कर लेना। बस आपका नवोदय एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन जो 3% बच्चों के लिए, मतलब तो आपने देखा ही तो होगा
कि आपके जिले में कितनी सीट है। तो क्लास 9th का कंपटीशन बड़ा टफ होता है बच्चा, बहुत टफ होता है, बहुत सारे बच्चे भरते हैं। तो भाई अगर आपको नवोदय विद्यालय एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इतनी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैथ्स की टेंशन अगर हो रही है तो भाई दिमाग से निकाल दो। इस समय हमारा एक बैच चल रहा है जीत का परचम, जो कि सुबह 6 बजे मैथ्स बिल्कुल शुरू से फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है, और जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। यानी कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती तो भी बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए, या आपको मैथ आती है रिवीजन, आप रिवीजन पीरियड में हो तो भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैच जो बैच की फीस है वो बिल्कुल फ्री है, केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 6 बजे लाइव क्लास में आ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। जो भी क्लास की टाइमिंग होती है, छुट्टी वगैरह में एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी। आप मैसेज नहीं कर सकते हो, मैसेज आप पर्सनली ही कर पाओगे, तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको केवल इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैट करने के लिए फिलहाल यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चैट करने के इच्छुक हैं इसलिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरी मानिए मेरी बहुत ही अच्छी सलाह रहेगी कि आप ग्रुप नहीं ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं और रिवीजन के पर्पस से अगर आपको वहाँ पर नोट्स वगैरह चाहिए, यानी कि वीडियो नोट्स, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपने लाइक भी कर दिया होगा, और अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। जो भी नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए ये बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चलो फिर पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, पुराने हो तो भाई बेल आइकन को भी, नए वाले भी बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक बच्चा। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।